52 का अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको लाइक पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 जो आपका है अकाउंटिंग एंड लॉ एथिक्स, इसमें कौन कौन सी चैप्टर आप करके जाए और आप इजिली पास हो जाए सीएमए फाउंडेशन एग्जाम December 2022, इन डिटेल इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे सर कुछ बताइए, जबकि मैंने जैसे मैंने सीएमए इंटर का 3 सब्जेक्ट का बताया, वैसे ही सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स पूछने लगे। तो मैं सोचा कि पहले सीएमए फाउंडेशन का ही कंप्लीट कर दूं, उसके बाद सीएमए इंटर ग्रुप 1 का कंप्लीट हो गया, ओनली एक चैप्टर बचा है, उसे भी जल्दी मैं क्या पढ़ के जाना चाहिए जो पास हो जाएंगे वो आपको बता दूंगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आपको पढ़ कर जाना चाहिए सीएमए फाउंडेशन में। सीएमए फाउंडेशन ये सिलेबस 2016 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेपर नंबर 2 जो आपका सेकेंड पेपर होगा, लाइक जो आपका सेकंड पेपर है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक करके जाओ जिसे ओनली वही करके जाओ तो मैं सीएमए फाउंडेशन एग्जाम December 2022 पास हो जाऊंगा। ये नॉट ओनली बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मुझे पास नहीं होना, मुझे रैंक होल्डर बनना है, सर मुझे पास नहीं होना है। एक्सेलेंट, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आपने सारे जो अकाउंटिंग हो लॉ हो सारे सब्जेक्ट हो आपने सब कुछ पढ़ा है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि ये पढ़ के जाएंगे तो आपके मार्क्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पेपर नंबर आपका 2 है, यहाँ पे अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट की, तो 80% का वेटेज रखता है, मींस कि 80 मार्क्स आएगा। और फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर में से ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए और आपके अगले मींस कि सीएमए इंटर में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। तो नाउ हम स्टार्ट कर देते हैं डायरेक्टली। ये शेड्यूल इस तरीके से आईसीएमए ने शेड्यूल किया है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन डायरेक्टली चैप्टर में से बताऊंगा ये चैप्टर आपको करके जाना चाहिए और ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज सीएमए इंटर में भी आपको यही चैप्टर्स मिलेंगे। तो कौन कौन से वो चैप्टर्स है मैं बताते जा रहा हूँ आपको कि कौन कौन सा करके जाना चाहिए आपको। पहले जो वो चैप्टर के नाम बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको इंटर में भी आएंगे। तो प्लीज़ आप ओनली इस हिसाब से मत पढ़ना सीएमए फाउंडेशन की सीएमए फाउंडेशन हो जाए तो फिर ख़त्म हो गया, सीएमए इंटर में भी जो अभी आप पढ़ेंगे वही इंटर में भी आपको मिलेगा। लाइक यहाँ पे आपको दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर ABCDEFGH तक दिया है। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ना होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड मैं नीचे से बताते आ रहा हूँ ओपनिंग इंटरेस्ट ट्रांसफर जो ये दिया है इसे स्किप कर देना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको करके जाना होगा बिकॉज इंटर में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको देखने को मिलेगा। और फिर डेप्रिसिएशन, जो फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन है वही डेप्रिसिएशन इंटर में भी मिल जाएगा आपको। फिर जर्नल लेजर, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपने 12th में भी करके आए हो स्टूडेंट, 11th में आपको डबल एंट्री सिंगल एंट्री, अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट होंगे तो आपको ये मिला होगा डबल एंट्री सिंगल एंट्री बुक्स, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक, यही सब। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, आपको ये जरूर से जरूर करके जाना चाहिए। यहाँ पे आपको खाली पूछेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। आई होपफुली आपने सब कुछ पढ़ा है, इतना पढ़ के गए तो एक्सेलेंट हो गया। आइए हम देखते हैं अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ 80 मार्क्स का आएगा। ये आप यहाँ से इतना कर लेना पॉइंट नंबर ए से। पॉइंट नंबर बी से आपको क्या करना होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी आपको सीएमए इंटर में देखने को मिलेगा। कंसाइनमेंट, आपको कंसाइनमेंट भी करना होगा बिकॉज कंसाइनमेंट भी सीएमए इंटर में देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको 2 चैप्टर ओनली फॉलो करना होगा। आपको जॉइंट वेंचर स्किप करना चाहते हो स्किप कर देना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे आपको पीएनएल मींस की फाइनल अकाउंट देखने को मिलेगा और एक एनपीओ आएगा। इस सर एनपीओ क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट डाउटफुल डेब्ट, ये सब दिया है। बट आपको यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और बी सेक्शन में दिया है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, प्रिपरेशन रिसिप्ट, वही मैं जो आपको बता रहा था एनपीओ की बात कर रहा था, वही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ओनली इतना करके गए तो सीएमए फाउंडेशन में आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। सर तो हम जो सेक्शन बी जो है हमारा फंडामेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें क्या करके जाना चाहिए, नो मोर ज़्यादा चैप्टर्स यहाँ पे 3 आपको मिलेंगे, मीनिंग डेफिनेशन सिग्निफिकेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। अगेन अगर आप सीएमए फाउंडेशन देने जा रहे हो, 12th में हो आप दे रहे हो या फिर आप डायरेक्टली सीएमए फाउंडेशन मींस कि 12th क्लियर होने के बाद एफआई में आने के बाद आपने इनरोलमेंट हुआ, फिर भी एक्सेलेंट है बिकॉज आपको वही चैप्टर जो अभी आप देख रहे हैं कॉस्ट शीट, आप जब कॉमर्स का स्टूडेंट हो तो आपको बीकॉम में 5th सेमेस्टर में कॉस्ट शीट मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको अगर अभी अच्छे से करेंगे तो सीएमए इंटर भी क्लियर हो जाएगा और बीकॉम भी अगर आप कर रहे हो या बीकॉम बैप सब कुछ वहाँ पे भी मिलेगा कॉस्ट शीट। तो प्लीज़ अच्छे से करना कॉस्ट शीट को। और यहाँ पे जो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है
यहाँ पे आप ओनली अच्छे से डेफिनेशन का पार्ट भी करके जाएंगे, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कर लेना और फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, बस यहाँ से ए बी बी और सी कर लेंगे, आपके मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं पेपर नंबर थ्री में, बिकॉज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितना बताया। अगेन वीडियो को बैक स्पेस करना और अगेन एक बार प्ले करके देखना। नाउ पेपर नंबर थ्री में, पेपर नंबर थ्री जो है आपका फंडामेंटल लॉ एंड इथिक्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। बहुत अच्छा है कि सीएमए फाउंडेशन एग्जाम जो होता है ऑफलाइन, मींस कि ऑनलाइन होम बेस होता है, सीएमए इंटर एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन सेंटर बेस होगा। तो आप अभी जो पढ़ेंगे उसको इस हिसाब से पढ़ना कि अगर आप ऑफलाइन एग्जाम में भी बैठे तो आपके पूरे चीज़, मींस कि जितने भी चैप्टर है, रिकवर हो जाए। जैसे ही सीएमए इंटर का एग्जाम स्टार्ट होगा 5 जैन से, मैं क्वेश्चन आपको जरूर शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ जाके पहले वहाँ ज्वाइन हो जाना। सर क्यों? बिकॉज सीएमए इंटर में भी फंडामेंटल ऑफ कॉमर्शियल लॉ एंड फंडामेंटल ऑफ इथिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर उनका क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आप समझ जाना कि आपकी स्टडी एक्सेलेंट लेवल की है। आइए यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ कॉमर्शियल लॉ की 70% का वेटेज रखता है। उसके बाद जो हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ इथिक्स का, तो 30% का वेटेज रखता है। आइए अब हम बात करते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए सर। तो सेक्शन ए में फंडामेंटल ऑफ कॉमर्शियल लॉ है, यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सीएमए इंटर में भी आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छे से अगर आप पढ़ लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, मीन्स कि 40% का, तो आपका सीएमए इंटर में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा है। और किस तरीके से पढ़ना है सब तो एमसीक्यू बेस है ना, इसीलिए बोलता हूँ ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पे मैं एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। एंड सेकेंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी एक्ट आपको सीएमए इंटर में देखने को मिलेगा 1930 का। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी आपको सीएमए इंटर में देखने को मिलेगा। तो क्यों नहीं मैं तीनों चैप्टर कर लूँ सर, बट पास होना जस्ट, और उम्मीद बहुत कम है। तो भी आप कुछ नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से कर लेना एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लेना, आपकी छुट्टी मिलेगी। जैसे ही सीएमए इंटर का, सॉरी सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होगा, तो उसी टाइम पर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कर लेना, तब आपका लॉ जो होगा सीएमए इंटर का वो भी कवर हो जाएगा। इस हिसाब से आप स्टडी करना। अब बात करते हैं सर इथिक्स में क्या करना चाहिए। इथिक्स काफ़ी वास्ट है, आइए यहाँ पे हम सेक्शन के हिसाब से देख लेते हैं। 70 मार्क्स का जो आपका सेक्शन ए रखता है, यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सर कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक बताएं जो मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। तो आपको यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो पढ़ लेना, व्हाट यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना होगा। फिर वॉइड, वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइड आप जानते हैं कि वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ये। इसके बाद कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, इसको भी आप कर लेना होगा, जिसे हम क्विड प्रो क्यू कहते हैं। फिर लीगल, ये भी आप कर लेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीज, कंसेंट, फ्री कंसेंट, आपको फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जरूर से जरूर कर लेना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट करना, मैं बोलूँगा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा अच्छे से करके जाए। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप मिलेगा, इसे कर लेना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर आप चाहते सर मैं अच्छे मार्क्स से, और मैं मीन्स क्या जो हमारा लॉ पेपर है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहता हूँ, नो मोर, आप ओनली एक बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, सारे एक्ट का जो ईयर है आप बाय हार्ट होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है उसका ईयर देख लीजिए, वो आपको बाय हार्ट होना, 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आपको ये सब बाय हार्ट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक सबको बाय हार्ट होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, प्रोमिसरी नोट कर लेना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप करेंगे तो वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे भी आपका थोड़ा थोड़ा कवर हो जाएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी जो हमारा इथिक्स का है। सर इथिक्स में क्या करूँ, तो यहाँ पे 7 प्रिंसिपल जो है आपका, ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से बाय हार्ट करना स्टूडेंट्स, यही प्रिंसिपल आपको आपको सीएमए इंटर में भी देखने को मिलेगा। 7 प्रिंसिपल जो है, इथिक्स का मीनिंग क्या होगा ये भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। एंड इथिक्स बिजनेस, ये भी आपको आई होपफुली सीएमए इंटर में मिलेगा। इतना कर लेंगे सीएमए इंटर पास, सॉरी सीएमए फाउंडेशन पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, और सीएमए इंटर में भी आप काफ़ी हद तक लॉ एंड अकाउंट कर चुके होंगे। ओनली प्रॉब्लम आएगा कॉस्टिंग में और टैक्स में, तो कोई तकलीफ की बात नहीं, मैं उससे रिगार्डिंग भी आपको सोल्यूशन देते रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, होपफुली अपडेट आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा। इनकेस आपके माइंड में कोई डाउट आता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अदरवाइज मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।